આગળથી સમાચારમાં તો અયોધ્યા રામ મંદિર બાબરી મસ્જિદ વિવાદ કેસમાં આજે મહત્વપૂર્ણ દિવસ છે. સુપ્રીમ કોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ રંજન ગોગોઈના નેતૃત્વમાં 3 જજની નવી બેન્ચ આ મામલે આજથી ફાઇનલ સુનાવણી શરૂ કરશે અને આ બેન્ચમાં ચીફ જસ્ટિસ રંજન ગોગોઈ ઉપરાંત જસ્ટિસ કોલ અને જસ્ટિસ કે એમ જોસેફ સામેલ છે. આ પૂર્વે આ મામલે પૂર્વ ચીફ જસ્ટિસ દીપક મિશ્રા, અશોક ભૂષણ અને અબ્દુલ નઝીરની બેન્ચ સુનાવણી કરી રહી હતી. ત્યારે આ સુનાવણી પર સમગ્ર દેશની નજર મંડાયેલી છે. વિવાદિત ભૂમિને 3 ભાગમાં વહેંચનારા 2010ના અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટના નિર્ણય વિરુદ્ધ દાખલ થયેલી અરજીઓ પર આજે સુનાવણી હાથ ધરાશે. સુપ્રીમ કોર્ટમાં ચીફ જસ્ટિસની પીઠ દ્વારા આ મામલે સુનાવણી કરવામાં આવશે. વધુ માહિતી આપશે અમારા સંવાદદાતા સુશીલ પાંડે. સુશીલ, જાનના ચાહેંગે આજ સે સુનવાઈ શરૂ હોગી સુપ્રીમ કોર્ટ મેં, ઇસ મામલે મેં કિતને દિન તક યે સુનવાઈ ચલેગી લગાતાર? देखिए लगभग 11:30 और 12 बजे के आसपास ये पूरा मामला जो है वो सुनवाई पर आएगा, क्योंकि ये फिलहाल सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, संजय किशन कौल और के एम जोसेफ की बेंच में सूचीबद्ध किया गया है. हालांकि इस पूरे आइटम का नंबर 43 है, तो उम्मीद ये की जा रही है क्योंकि सोमवार है तो सोमवार को नए मामले सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं जिनकी स्पीड काफी तेज होती है, तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि लगभग 11:30 बजे इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जो इससे पहले तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे दीपक मिश्रा, उन्होंने 1994 का जो इस्माइल फारूकी का जजमेंट था उस जजमेंट को संवैधानिक पीठ में भेजने से मना कर दिया था, जिसमें ये कहा गया था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है या नहीं है. फिलहाल इस पूरे मामले में फैसला सुनाते हुए ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये फिलहाल लैंड डिस्प्यूट का मामला है और इसमें इस फैसले का कोई औचित्य नहीं है, लिहाजा जो मुख्य न्यायाधीश है उन्होंने नई बेंच का गठन किया है वो फिलहाल आज से सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये तय किया जाएगा कि आने वाले दिनों में वो कौन सी तारीख होगी जब इस पूरे मामले की सुनवाई दिन या प्रतिदिन की जाए. जी जी सुशील, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए.